हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड की जली ब्लॉग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल मैंने आपको बाराद्वारी का व्लॉग अपलोड करके दिया था, तो वो व्लॉग मैंने वहीं पर एंड कर दिया था क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा था। उसके बाद हम कन्हैया स्थान गए थे, तो कन्हैया स्थान का व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो जो रास्ते में जो अभी सीनरीज आपने देखे वो सारे बाराद्वारी से कन्हैया स्थान जाने के रास्ते में पड़ते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। और अभी हम देखिए कन्हैया स्थान का एंट्री गेट पर आ चुके हैं। ये जो दिख रहा है आपको सामने वो एंट्रांस है कन्हैया स्थान का। तो यहाँ से एंट्री करके, और ये देखिए यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए सीट्स बने हुई हैं। जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर बैठकर और अपने आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखिए कन्हैया स्थान का एंट्रेंस मैं पीछे से आपको दिखा रही हूँ। और रास्ते में आते वक्त आपने जो गैया देखा था, तो कन्हैया जी को गैया बहुत पसंद थी, इसलिए यहाँ के जो ग्रामीण निवासी लोग हैं, गांव के लोग, वो लोग गाय यहाँ पर बहुत अपने अपने घरों में गाय पालते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको गाय ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये देखिए हम कन्हैया स्थान का एंट्री गेट से अंदर आ चुके हैं, और उसके बाद हम सबसे पहले गंगा जी जाएंगे, फिर हम मंदिर जाएंगे। तो ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से आप गंगा जी जा सकते हैं। तो नीचे अभी हम लोग नीचे जाके आपको गंगा जी दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको मंदिर दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये सब व्यूज़ और मंदिर और ये सारी कुछ देख के मज़ा आ रहा होगा। और अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको इस ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा है। इन बच्चों को डांस करते हुए देख के हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। तो ये लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं, तो आप भी इनके साथ हमारे साथ इन्जॉय करिए। तो गाइज़ हम आ गए हैं अभी इस्कॉन टेम्पल में। हमारे यहाँ का एक इस्कॉन टेम्पल है, हम यहाँ आ गए हैं। और बहुत शाम हो गया है इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो है। वीडियो आप मैटर इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है। थोड़ा शाम हो गया है इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का उतना अच्छा नहीं जा रहा होगा, बट पिक देखिए आप क्वालिटी को इग्नोर करके थोड़ा सा व्यू देखिए वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये गंगा मैया है और यहाँ पर हमारा इस्कॉन टेम्पल है ऊपर में। अभी मैं आपको लेके जाऊंगी वहां पर भी। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर पूरा। ये देखिए यहाँ पर स्टेयर्स बने हुए हैं, लोग यहाँ पर इस तरह घूमने के लिए आते हैं। और इस साइड में ये गंगा जी है। मोटरसाइकिल चला के कहाँ जा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है। ये इस तरह का एक्सेलरेटर टाइप का बना हुआ है ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी बहुत आराम से यहाँ पर व्हीलचेयर वगैरह ट्रैवल चढ़ सके और वो जा सके यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो इस तरह करके ये रास्ता है मंदिर के अंदर का। और उसके बाद मंदिर के अंदर आके यहाँ पर ये देखिए सामने स्पेस पूरा खाली है। यहाँ पर लोग बैठ कर आरती पूजा के टाइम में वो आरती पूजा देखने के लिए बैठते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर पॉट्स वगैरह लगे हैं। वो देखिए पीछे जो गंगा जी दिख रहा है, और साथ में देखिए यहाँ पर बजरंग बली का एक स्टैचू है। और इधर पर यहाँ पर शंकर जी का एक शिवलिंग है। और साथ ही जो मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण जी के जो अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, वो आए थे, तो उन्हीं के पैरों के चिन्ह हैं, उन्हीं के पद चिन्ह हैं, तो इसलिए यहाँ पर फेमस है। और ये देखिए सामने आपको कान्हा जी मैं पीछे मैं और राधा जी और साथ ही बलराम जी का स्टैचू दिख रहा होगा, वो उनके मूर्ति है और इन्हीं का यहाँ पर पूजा होता है। तो ये इस्कॉन टेम्पल है, कन्हैया जी का टेम्पल है, कन्हैया स्थान हमारे यहाँ इसको कन्हैया स्थान कहते हैं। और बड़े बड़े शहरों में ये इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये मज़ा आ रहा होगा देख के, आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चला जाए। सो इन्जॉय। ले करो बेटा, कान्हा जी है, ले करो।
इधर देखो कान्हा जी है, राधा जी है, राम नहीं लक्ष्मण। सो ये था इस्कॉन टेम्पल जो मैं आपको अभी घुमा के ले आई। उसके पहले मैंने आपको बाराद्वारी दिखाया था। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये सब टूरिस्ट प्लेस अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय, गुड नाइट।